आज फर्स्ट डे है कर्फ्यू का, कल रात से लग गया था। कल रात 10 बजे से मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक का कर्फ्यू है। तो आज मैंने पहले कहा सुबह पेड़ों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए कर्फ्यू का घर में सभी लोग। और कोरोना की वजह से सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, और ये बीमारी बहुत ही भयानक रूप ले रही है। तो जब अगर आपको ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को इस बीमारी से बचा के रखें जितना हो सके। बच्चों को कम से कम बाहर, आप भी लोगों के संपर्क में कम आए, और जितना हो सके आप सेफ्टी बरतें। आठ सौ पाँचों नॉर्थ माँ स्कंद माता का दिन छुआ, आज माँ स्कंद माता पाठ पढ़ी जा रहा है। आज पांचों अध्याय पढ़ी जा, पंचम अध्याय। पंचम अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनकी प्रकट हुई है, उन महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। देवी का ध्यान करने के पश्चात पांचवें अध्याय का पाठ आरंभ करें। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि मैं तुम्हारे तथा सब संकटों को तुरंत दूर कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम नियम पूर्वक